हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज देशभक्ति के ऊपर दो मूवी रिलीज हुई हैं। एक जो मैंने सुबह देखी थी और उसका नाम है रॉकेट ट्री, उसका मैं रिव्यू ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। फिर है रक्षा कवच ओम। अब ये आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है और साथ ही साथ में फिक्शन से भरी हुई मूवी है। काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर वर्क करती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी वर्क करती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ रिएक्शंस मेरे ख्याल से इस मूवी को देखने के बाद इस तरीके आएंगे, अरे क्या बना दिया ये, वो धमकाना, ऐसे तरीके के आपके रिएक्शन आएंगे, जो रिव्यूज देंगे एक्सट्रीम रिएक्शंस आएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मूवी को रिव्यू करने के लिए उसके अंदर गहराई में जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कहानी आपको ओम की दिखेगी, जो कि एक पैरा कमांडो है और एक टॉप सीक्रेट मिशन के ऊपर है इंडिया के लिए, और वो कवच कुछ ढूंढ रहा है, किसने वो कवच बनाया है और क्या वो ये लड़ाई में सक्सेसफुल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इस लड़ाई के अंदर जो पहले ही कुछ एक्शन सीक्वेंसेस आपको इतने इनग्रोस कर देते हैं कि आपको लगता है कि यार ये तो टाइगर श्रॉफ से भी बढ़िया लग रहा है, बिकॉज जो फिजिकैलिटी है आदित्य रॉय कपूर की वो इतनी सॉलिड डील डॉल की है और कि आपको लगता है ये 6.5 फुट का इंसान अगर लोहे की चेन खींच रहा है, किसी को मार रहा है या फिर एक मशीन गन उठा रहा है तो ये उठा सकता है। तो जो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। अब ये बहुत ही जल्दी डिस्कवर हो जाता है कि उसकी याददाश्त चली जाती है और बहुत लिमिटेड चीज़ें उसको याद हैं, और साथ ही साथ में उसको ये भी पता है कि उसके जो फादर हैं उनका ज़्यादा बताना नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा स्पॉइलर आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको मैं यहीं पर ही स्टॉप करता हूँ। बट उसको अपने फादर का जो नाम जो ख़राब हो रहा है उसको भी ठीक करना है, उसका पर्सनल याददाश्त का भी प्रॉब्लम है, उसको अपना प्रोफेशनली जो टास्क दिया गया वो भी कंप्लीट करना है। एट द सेम टाइम जब उसको याददाश्त चली जाती है, जब वो घायल हो जाता है, तो फिर संजना सांघवी की भी एक्टिंग एंट्री हो जाती है काव्या की, तो उसको भी रिजॉल्व करना है। इसके बाद जो बैडीज़ हैं इसके अंदर वो भी उसके पीछे पड़े हुए हैं किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि वो कवच का मामला है, वो आप डिस्कवर करना कवच का मामला क्या है। तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं 2 घंटे की मूवी के अंदर, तो ये बहुत मुश्किल नरेटिव हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कपिल वर्मा जी ने कुछ इस तरीके का नरेटिव कर दिया कि वो जो इतनी जल्दी जल्दी भागना शुरू हो गया कि मुझे भी कई बार लग रहा था कि यार एक सेकेंड समझने तो दो फिर आगे जाना, समझने तो दो फिर आगे जाना। उस चक्कर में ये बहुत सारी चीज़ें आगे चली गई, और जहाँ पर आपको स्वाद आने लग जाता है एक्शन का, आपको लगता है कि स्टोरी अच्छी बिल्डअप हो रही है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, वहीं पर ही आप क्योंकि इतने सारे सब प्लॉट्स की वजह से, ट्रैक्स की वजह से थोड़ा सा आप लूज़ आउट होना शुरू हो जाते हो, इंटरेस्ट लूज़ आउट होना शुरू हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कास्टिंग बिल्कुल भी ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी कास्टिंग देखोगे तो आदित्य रॉय कपूर परफेक्ट रहा है इसके अंदर, चाहे वो इमोशनल सीन हो, चाहे वो कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड हो बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर एंड फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स, या फिर वो एक्शन सिक्वेंस में तो इज़ ब्रिलियंट, इज़ अ फाइंड, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने कि इतना जबरदस्त एक्शन कर सकता है। आशुतोष राणा के बहुत ब्रिलियंट सीन्स हैं जब वो देशभक्ति की, राष्ट्र की बात करता है, लेकिन एक इस तरीके का उन्होंने रोल किया कि उसके ऊपर सस्पेशन बना रहता है, तो वो क्या है वो सब फिगर आउट करना। जैकी श्रॉफ का रोल ओके है, लेकिन एंड में जाके इंटरेस्टिंग होता है, क्यों होता है वो फिगर आउट करना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न आती रहते हैं इसके अंदर। तो वो देव जो कैरेक्टर है जैकी श्रॉफ का, वो क्या बना रहा होता है और क्या कुछ निकलता है। फिर प्रकाश राज तो कम्प्लीटली वेस्टेड है, आई थिंक वो अपना टैलेंट भी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हद तक मैंने, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लास्ट 4-5 मूवीज़ में सेम ही प्रकाश राज कंटिन्यू देख रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं दिखा मैंने इनके अंदर, सेम ही वो कोट पैंट पहन के आ जाते हैं, चाहे वो मेजर हो, चाहे वो अटैक हो, चाहे वो ये वाली मूवी हो, सब में सेम तरीके का कैरेक्टर है भाई का, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं वो अपने अंदर। प्राची देसाई किस एंगल से आदित्य रॉय की मदर लग रही हैं, वो जो ये जो मिसेस आपको लगते हैं, बट हैविंग सेड दैट अगर आप इस मूवी को थोड़ा सा ये बंद करके जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे एक्शन एंजॉय करना है और थोड़ी स्टोरी ऐसी नहीं होनी चाहिए बागी टाइप की या हीरोपंती टाइप की, इसमें वो लॉजिक भी होना चाहिए, तो इसके अंदर लॉजिक ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ लॉजिक है। इसकी जो एग्जीक्यूशन है मुझे लगता है कि डायरेक्शन से भी ज़्यादा थोड़ी सी इसकी जो राइटिंग है ना और उसको पिरोने के लिए जो स्क्रीन प्ले है उसमें थोड़ी वीकनेस है। जो स्क्रीन प्ले होता है वो आपको उसमें इंग्रोस कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डल मोमेंट्स होते हैं और डल मोमेंट्स के अंदर आपको बहुत ही परफेक्ट हाई ऑक्टेन के डायलॉग्स चाहिए होते हैं,
वहाँ पर डल के साथ डल डायलॉग है, हाई ऑक्टेन के साथ हाई डायलॉग है, तो आप जब हाई पे हो तो हाई पे हो ही, लो को हाई बनाने के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा जो मूवी शूवी स्कोर रहेगा इसके लिए रहेगा बी, वन टाइम वॉच है, जब आप जाओगे तो बोलोगे एक्शन सिक्वेंसेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा बंद करके जाना, आप सिर्फ एक 8 packs का आदमी देखने वाले हो जो कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल, तो थोड़ा सुपर हीरो जोन के अंदर आपको यह लगेगा। तो देखो इतना इतनी भी बुरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सट्रीम रिएक्शंस को देने की इसके लिए ज़रूरत है कि ये क्या बना दिया, बकवास हो गया, ये हीरोपंती बना दी, ये बागीत्री बना दी, भैं 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 भैं, ऐसे भैं 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 नहीं है, हर एक चीज़ का एक बैलेंस्ड आउटलुक होता है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी काम करी हैं इसके लिए जो कि कोर ऑफ द स्टोरी है या फिर एक्शन है, और कुछ चीज़ें नहीं काम करी, जैसे मैंने बताया कि कास्टिंग थोड़ी सी आउट ऑफ थिंग है, बहुत तेज़ भागती है, बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, बहुत कुछ कहने सुनने की कोशिश करी जा रही है, वो चीज़ें ज़रूर आपको थोड़ा सा मिस करते हो आप। गाने वाने भी ऐसे इनसिग्निफिकेंट से हैं, कोई भी गाना इंप्रेसिव नहीं है, तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं। इट्स एन एवरेज फिल्म, सो ऐसा नहीं होता कि बैड फिल्म है और अच्छी फिल्म है, इट्स एन एवरेज फिल्म। अगर आपको एक्शन मूवी पसंद है तो शायद आपको ये पसंद आ ही जाएगी। तो मिलते हैं एक रिव्यू के साथ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।